उस दिन सुबह सुबह हम गए थे कहीं, मैं और मुराद भाई थे और कुछ लोग थे। तो नमाज का टाइम नहीं, नमाज 3 बजे थे रात के, और मुझे मेरा भाव बंद था यार। मैंने कहा मेरे पता नहीं नमाज पढ़, कभी कभार होता है याद नहीं रहता कि पढ़ी है या नहीं। जी मेरे को थोड़ा सा उलझन होने लग गई भाव के बगैर, जो काम भी था लगने चीजें, कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं जोहर असर पढ़, वो मगरिब इशा पढ़ लेता हूँ कज़ा। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने पूछा यहाँ से कि कोई जगह है नमाज पढ़ने की। जगह से थी, बहुत बड़ा हॉल सा था, वहाँ वो बना हुआ है, तख्ती लगी हुई, जी जैसे नमाज की जगह, जैसे मॉस्क होता है छोटा सा कमरा। मैं जाके नमाज पढ़ किया और थक करके भाव वापस आ गया। सही। 3 बजे रात को, ये बात है तकरीबन 4 वीक पहले की, 3 वीक पहले की। तो सही। नमाज मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि वो बताने वाली जो बताने वाले थे, जी जो बताने वाला मटेरियल था वो चला गया था ना, वरना वो बता रहे नमाज नहीं पढ़ी। जी ये चीज है बिल्कुल ना, मगरिब इशा आपकी रह गई है। तो मैं सबको दोबारा आज का मैसेज ये है कि नमाज की पाबंदी करो, भले कजा पढ़ो। मैंने कल भी किसी को लेक्चर दिया, मैंने कहा भाई तू दफ्तर पहुंच के पहला काम कर, फजर की नमाज भले 9 बजे पढ़, कजा पढ़। अगर सुबह नहीं पढ़ सकता उठ के तो कजा पढ़ो, मगर पढ़ ले किसी तरीके से। बस जी कि ये सोचोगे कि क्या कहते हैं उसे, कि वजीफे से काम हो जाएगा, वजीफे से काम अगर अल्लाह का कलाम है होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि वजीफे से खाली काम नहीं होता, नमाज की वजह से काम होता है। जब वजीफे में पढ़ो सही वजायफ के साथ, अगर नमाज की पाबंदी करो, फिर काम।